नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GK24। झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा तिथि 3:30 बजे से प्रभावी हो गई है, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सह रिटर्निंग ऑफिसर बंशीधर नगर प्रभाकर मृथा के द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण के क्रम में स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक है, उनके द्वारा UP 81 CT 139 द्वारा आशीर्वाद रथ यात्रा कार्यक्रम बिना रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के संचालित किया जा रहा है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुसंगत विभिन्न धाराओं के तहत स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही पर प्राथमिकी दर्ज कराई। सभी जगह हमारा इंटरस्टेट चेक पोस्ट जो है वो फंक्शनल हो गया है। गढ़वा जिला में कुल 7 इंटरस्टेट चेक पोस्ट बनाया गया है। ये 3 राज्यों की सीमा से लगता है गढ़वा जिला। उसी सिलसिले में आज उपायुक्त और मेरे द्वारा जो है इनका जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है, ताकि यहाँ पे जो चेकिंग हो रही है वो मुकम्मल हो रही है नहीं हो रही है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकें। अभी हम लोगों ने बिलासपुर और खोखा, जो हमारा UP का बॉर्डर पे है, उसको हम लोगों ने चेक किया है और यहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट को उपस्थित पाया है। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे। इंस्ट्रक्शन दिया गया है इनको कि जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, छोटी बड़ी जो भी गाड़ियाँ हैं, उनको थॉरली उनको चेक करें, ताकि किसी भी प्रकार का अवैध शराब, अवैध फ्रीवीज वगैरह वो अंदर ना आ सके, और इस पर हम लोग कड़ी निगरानी रखें। सर, मझियाँ और रमना में सर शराब का को लेकर छापेमारी की गई, ये हम लोगों ने सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक इनको डायरेक्शन दिया हुआ है। मादक पदार्थ के विरुद्ध में विशेष करके छापेमारी करेंगे, मादक पदार्थ हथियार। उसी सिलसिले में कल पूरे जिले में कल एक विशेष अभियान चलाया गया, सभी थाना प्रभारी उसमें शामिल थे, और मझियाओं में भारी मात्रा में देसी शराब पकड़ाया है और शराब बनाने का जो जावा महुआ होता है उसको भी विनष्ट किया गया। उसी सिलसिले में आज रमना में भी विदेशी शराब पाया गया है, पकड़ाया है, और उस सिलसिले में एक आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो ये कार्रवाई हमारी ये निरंतर अभी चलते रहेगी, और ये डायरेक्शन सभी थाना प्रभारी को दिया गया है, जहाँ भी कोई भी सूचना मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई करें, और इस तरह के अवैध कारोबारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हम लोग उसको ध्वस्त करें। ठीक है सर, कहते हैं देखिए तैयारी हम लोग पूरी, आप लोग जैसे देख रहे हैं इमिडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट बहुत सारे कार्ड्स हम लोग करते रहते हैं। इसमें हम लोग का ये भी है, हम लोग चेक पोस्ट जो है ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, सारे लोग हैं यहाँ पर, और उसी दिशा में हम लोग सारा करते आ रहे हैं। अभी हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर का कल नॉमिनेशन हमारे यहाँ से होना है, नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड गढ़वा कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो दोनों जगह की व्यवस्था देख लेंगे, नॉमिनेशन क्या व्यवस्था वगैरह वहाँ भी एडिक्वेट फोर्स मजिस्ट्रेट का भी अरेंजमेंट करेंगे, देखेंगे जो है इस पर SOP ECI का जो SOP है उसके अनुसार अक्षर साहब लोग अनुपालन कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग सवेरे से निकले हुए हैं, SP साहब हम सारे पूरी टीम के साथ निकले हुए हैं। बॉर्डर एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया जहाँ तक और भी जो MCC वायलेशन वगैरह कुछ मामले अगर आ रहे हैं तो उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे लोग, इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे थे सारे इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस वो इंस्ट्रक्शन देना है, देयर विल नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द SOPs आर गिवन बाय द ECI, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, अक्षर से अनुपालन करेंगे। इसी दिशा में हम लोगों ने सारे को इंस्ट्रक्ट किया है और उस दिशा में साथ काम करेंगे। थैंक यू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GK24।